नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास आया है ये लावा का फ़ोन और इसमें प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों कि ये बटन दबाने पे ऑन तो होता है पर इसमें दिक्कत ये आती है कि ऑन होने के बाद में ये इसका स्विच काम नहीं करता है, लॉक अनलॉक नहीं होता है, सिर्फ ऑन होते समय एक बार ये स्विच काम करता है। तो इस प्रॉब्लम को आज अपन फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आती है और इसका सोल्यूशन कैसे करें, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ़ोन ऑन हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ़ोन ऑन हो गया है, बस इसका बटन काम नहीं कर रहा है, बटन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। बस ऑन होते समय वन टाइम बटन काम करता है, फिर उसके बाद में अगर टच पे गेस्चर्स बनाएंगे अपन तो ऑन होगा बस ये, या फिर चार्जिंग पे प्लग करेंगे तो ही ऑन होगा, वरना ये ऑन नहीं हो रहा है। बैटरी निकाल के वापस से लगाएंगे तो ऑन होगा ये। तो इसके लिए मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूँ और देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी हालत काफ़ी बिगड़ी हुई है। इस पर पहले से एक स्विच जंपर किया हुआ है जो कि इसको ऑन होने में मदद करता है, पर इसको फुल सप्लाई नहीं मिलने के कारण ये है ना, आपका फ़ोन ऑन तो हो रहा है पर फुल तरीके से वो ऑन ऑफ बटन काम नहीं कर रहा है। तो इसका काफ़ी सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम को अपन फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा मीटर से चेक कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ इसकी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इधर तीन डायोड रखे हुए थे जो कि तीनों उखड़ चुके हैं और उसी कारण से इसमें प्रॉपर प्लस की सप्लाई नहीं मिल रही है ऑन ऑफ बटन को, इस कारण से ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका सिंपल तरीके से अपन एक पहले तो इसका एक पॉइंट जो है अपन वॉल्यूम बटन का वो माइनस पे लगा देंगे, जो कि इधर ये एक माइनस पॉइंट है और एक ये पावर का प्लस पॉइंट है इधर लगा देंगे। और इसके अलावा जो इधर एक बारीक सा ये एक दिख रहा है डायोड का एक इस जहाँ पे प्रिंट है और एक ऊपर नहीं है तो जहाँ पे प्रिंट है वहाँ पे अपन इसको यहाँ से यहाँ तक जंपर कर देंगे, जिससे कि इसमें यहाँ तक टोटल प्लस की सप्लाई मिल जाएगी और अपना स्विच ऑन ऑफ लॉक अनलॉक में भी काम करने लगेगा। तो जल्दी से इसको फिट कर लेते हैं और देखते हैं काम करने लगा कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वहीं से उसको सोल्डिंग करके और थोड़ा आगे करके वो पॉइंट को भी टच कर दिया है और माइनस का पॉइंट मैंने इधर ऊपर से ले लिया है जहाँ पे ग्राउंड एकदम खाली था। तो अब इसको अपन ऑन करके देखते हैं। फ़ोन को मैंने पैक कर लिया है तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये फ़ोन ऑन हो चुका है। अब बारी है रियल टेस्ट की, जो कि ये चालू होने पर पता पड़ेगा कि जंपर सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, उसको सप्लाई प्रॉपर मिली है या नहीं, बस ये, या फिर चार्जिंग पे प्लग करेंगे तो ही ऑन होगा, वरना ये ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप बैटरी निकाल के वापस से लगाएंगे तो ऑन होगा ये, सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो इसके लिए मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूँ और देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी हालत काफ़ी बिगड़ी हुई है। लोग पहले से एक स्विच जंपर किया हुआ है जो कि इसको ऑन होने में मदद करता है।